सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरिडियन ओवरसीज। आज हम एक बहुत लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट अपकमिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रिक्टनेस इंक्रीज कर रही है। रिसेंटली अपडेट आया था कि जो स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया के अंदर जेन्युइन नहीं है और बहुत ज़्यादा मतलब जाते ही अपनी पढ़ाई वो लोग छोड़ रहे हैं, ड्रॉप आउट कर रहे हैं और कॉलेजेस चेंज कर रहे हैं और जिस फील्ड में वो गए हैं उस फील्ड में करियर अपना आगे नहीं फॉरवर्ड कर रहे हैं, सिर्फ एक वर्क कल्चर अपनाने के लिए और सिर्फ वर्क राइट्स के लिए वो ऑस्ट्रेलिया में एज अ स्टूडेंट गए हैं। उन स्टूडेंट्स को ऑस्ट्रेलिया ने लास्ट ईयर डिपोर्ट भी किया था, तो अब वो स्ट्रिक्टनेस इंक्रीज कर रहे हैं अपने इन स्टूडेंट्स के लिए और हो सकता है कि वो शायद अपनी आइल्स की और पीटी की रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज करें, फंड्स में रिक्वायरमेंट इंक्रीज करें और जो डॉजी वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे उनके ऊपर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट बैन लगा रही है और उन स्टूडेंट्स को कंसिडर कर रही है जो क्राइकोस अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन ले रहे हैं। सो इस चीज़ पे प्रॉपरली ध्यान दीजिए, आप कोई भी फेक डॉक्यूमेंट यूज मत कीजिएगा और कहीं से भी आपकी प्रोफाइल जेन्युइन से फेक की तरफ नहीं जाती हुई दिखनी चाहिए, नहीं तो आपका वीज़ा स्ट्रिक्टली रिफ्यूज़ हो जाएगा। और अगर आप बाई चांस पहुँच भी गए और वहाँ पर जाने के बाद में आपने सोचा कि एक सेमेस्टर के बाद में मैं अपना प्रोग्राम छोड़ दूं या फिर अपनी यूनिवर्सिटी छोड़ दूं, तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट कैन टेक एक्शंस ऑन यू। और इसी के साथ स्टूडेंट्स, आपकी कोई और फर्दर क्वेरीज है, यू कैन बुक अ फ्री काउंसलिंग सेशन एंड विजिट आवर नियरेस्ट ब्रांच। थैंक यू वेरी मच।